हो सकती है। मिस्टर आज अनुराग भदौरिया, मायावती कोई जी एक ने ऐसा सवाल वाक्य उठाया बताइए, है। कोई एक ऐसा केस बताइए कि आप सरकार में रहे हो और आपने रेप की किसी आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया हो। आप मुझे बोलने दीजिएगा, जैसे आपने बीजेपी को शांति से बोलने दिया और बीजेपी के समर्थन को बोलने दिया, इतनी शांति से मुझे बोलने दीजिए ना, मैं तो शालीनता से विपक्ष बोलेंगे, में बिल्कुल हूँ। बोलने दूंगा नहीं, सभ्यता से आप बोलने नहीं दे रहे जी थे ना। मैं तो इतनी सभ्यता निभाता हूँ, और मैं जी तो कोई गलत शब्द इस्तेमाल भी करता हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ हमेशा, ठीक है भदौरिया इसलिए जी। मेरी बात सुन लीजिए। सवाल ये है, ये कह रहे थे इसके पहले कभी नहीं हुआ, तो इसके मतलब अभी ना हो। अरे अभी आप अभी हो तो अभी हो जाए, उसमें दिक्कत क्या है? आपने कहा माँ इतने दिनों से चक्कर काट रही है, दौड़ रही है 2 महीने से, तो शर्म की बात किसके लिए? सरकार के लिए ना शर्म की बात? एक माँ दौड़ रही है, एक बच्ची की माँ दौड़ रही है, और आप कह रहे हो महिलाओं के साथ हम न्याय करते हैं, और 2 महीने से बच्ची की माँ दौड़ती रही और पुलिस के कान पे चू नहीं रखी। जब ये घटना होगी तब उसको राजनीतिकरण करने के लिए आप आ गए कि समाजवादी कार्यकर्ता, फलाने पार्टी का कार्यकर्ता, अरे कार्यकर्ता किसी दल का भी हो, गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, और बच्ची के साथ न्याय करेगा सजा मिलेगी। 2 महीने तक मां दौड़ती रही और आपके कान में जू नहीं रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम न्याय की मांग करते हैं, हमने न्याय की मांग, जो जौनपुर में घटना हुई है उसमें भी यही बोला है कि जो 3 लड़के जिसमें इनका नाम आ रहा है उन पर भी न्याय की बात हो। कानपुर में भी हमने यही मांग की थी, हमने हथरस की बेटी के लिए यही मांग की थी कि टेस्ट होने चाहिए, गलत आदमी ना फंस जाए और सजा नजीर बने, ऐसी सजा देनी चाहिए जो बच्ची के साथ अन्याय करे। तो क्या ठीक गलत कह रहा हूं? सरकार इनकी, कानून व्यवस्था इनकी, और उसके बाद दोषी कौन? समाजवादी पार्टी, कि 2012 से वहां पे खुली थी चौकी, तो क्या करी 2017 के बाद से सरकार? इसके मतलब पुलिस मिली जुली है, अपराध बढ़ रहा है, कोई ठीक कह रहा था पुलिस पैसा लेती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इनके डीआईजी कह रहे थे, इसके मतलब पुलिस बिकी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक बच्चियों को नहीं सेफ बचा पा रही है, चोरी डकैती नहीं लूट पा रही है, बलात्कार नहीं लूट पा रही है, हत्याएं नहीं लूट पा रही है, तो जिम्मेदार समाजवादी पार्टी होगी प्रियंका क्या? जी, आप आप भी सवाल बताइए, कर आप लीजिए, जब उसके बाद मैं आप काउंटर लूंगा हीरो वाजपेयी से। प्रियंका जी काउंटर लीजिए, समाजवादी तो नहीं जिम्मेदार है ना, सरकार इनकी है जिम्मेदार, समाजवादी पार्टी ठीक है होगी। ओके होना चाहिए, और आरोपी को और जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जो हाल है, जौनपुर में भी आज एक बलात्कार हुआ है, उस बच्ची को जो शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ही बच्ची, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सेफ हैं? आज आज की बात नहीं बता रही हूँ, जब यहां पर गृहमंत्री जी आए थे उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश में महिलाएं सड़क पर गहने पहन के घूम सकती हैं, तो आपको लगता है कि रात के 12 बजे के महिलाएं यहाँ गहने पहन के घूम सकती ठीक हैं? लगातार रेप केसेस की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। कहाँ है आपका रोमियो स्क्वाड? दोषी कहाँ है दोषी आपका समाजवादी किसी पार्टी। का? ठीक है मुझे हीरो लगता हीरो है कि वाजपेयी जी, आपका सरकार जवाब। तरीके से अंधी बैरी अनुराग भदौरिया के नियोजित सवाल है कि अगर उस पीड़ित परिवार को 2 महीने तक भटकना पड़ा अपना एफआईआर लिखवाने के लिए, इंसाफ के लिए, और पुलिस चौकी अगर 2012 से 2024 तक चल रही है, तो फिर सिस्टम क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, मैंने कहा ना, जो वस्तुतः सत्य है उसको मैं नहीं बचाने के, लेकिन अगर अनुराग भदौरिया ही मानते हैं कि एक पीड़ित की मां को 2 महीने दौड़ना पड़ा, तो क्या समाजवादी उस पीड़ित की मां को 8-10 महीने फिर डीएनए सर, टेस्ट के अरे बहाने और सरकार दौड़ाना आप चाहती किस है, फिर सवाल अपने कर रही हैं आदमी को पार्टी? अरे बचाना चाहती है, भैया आप किसी ही तो तरह भाई मामले पुलिस को की लिंगर है, ऑन करना चाहती शासन है। किसका है? 2 महीने से मां दौड़ रही थी अब और आप उसको न्याय नहीं दिला पाए, समाजवादी दोषी हो गई। अब हाँ, आप मैं बोल सिर्फ देखिए, इनकी आप बात बोल कर रहे रही थे, हूँ मैं नहीं क्या? बोल रहा था, नहीं, आप मैं बोल आपसे रहे कह थे रहा हूँ नहीं ऐसे बोला, तो मेरा समाजवादी पूरा पार्टी सवाल क्या सुन क्या लीजिए, फिर पुलिस बात करिए। समाजवादी पार्टी क्या? देखिए अनुराग जी, अरे मैं वहां सब्जी दोषी मंडी में होगी? नहीं बैठा अरे था, वहां बधाई आप मैं लोग, इस कैसी तरह से बातें कर रिलेट रहे नहीं हैं कर आप सकता कि दो आपसे। महीने से आप एक मेरी नहीं, बात नहीं, सुनिए, नहीं, उसका नहीं, जवाब 2 महीने दीजिए। से अगर उसकी आप मां कौन दौड़ रही है तो जा पुलिस रहे की हैं, समाजवादी आप पार्टी होगी, कौन मतलब चाहते आप हैं कोई क्यों उसके जिम्मेदारी पक्ष नहीं में है? खड़े पुलिस होकर की कि कोई डीएनए जिम्मेदारी? जांच तो हमें दे कराइए? दो ना, हमें डीएनए बोलो जांच नहीं, आप केवल बोलो आपका पुलिस एक की ही कोई जिम्मेदारी माध्यम नहीं है, है, आप जिम्मेदारी कि आप देते हैं, चाहते हम हैं कहते मामला रहेंगे लंबा चलिए खींचे, बोलिए आप ऑन मामला कैमरा, लंबा बोलिए खींचे। पुलिस नहीं, नहीं अनिल यहाँ बोलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और हम न्याय दिलाएंगे, चलिए गारंटी देता हूँ आपसे, आप कह दो कि हमारी पुलिस नाकारा है, हमारी पुलिस न्याय नहीं अरे कर आप पाती क्या है, न्याय हमारी कुछ दिलाओगे? काम नहीं करती आप है, सरकार में समाजवादी बैठे, पार्टी आप न्याय न्याय दिलाएंगे, मैं दिलाओगे? चैलेंज करता हूँ आपको, आप क्या उस कैसे बच्ची को न्याय उसके परिवार दिलाओगे? को न्याय आप तो दिलाएंगे, बोल अपराधी के दीजिए आप, पक्ष में खड़े हो, बोल दीजिए न्याय आप, क्या दिलाओगे? आप तो बोल कहते दीजिए हैं आप, डीएनए हम टेस्ट हो न्याय जाए, दिलाएंगे, और हम न्याय आपने तो, दिलाएंगे, बोलिए आप, आपने तो ये बोली क्या नहीं बात है कर रहे हैं कि आप? बच्चे आपने हैं, कहा आपने गलती गलती नहीं हो मानी, बस सकती है, समाजवादी अब वो पार्टी बच्चा जिम्मेदार है। चचा बन अरे गया गलती समाजवादी करके। पार्टी, मैं तो कह रहा हूं जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, नजीर बने अच्छी सजा मिले, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? ठीक है, नजीर बननी यही चाहिए हो रहा जो है, दोषी यही है हो उसको रहा है, सजा इसीलिए फिर मिले। मिला रहे हो, 20 लाख रुपए, यही हो रहा है, बीजेपी इसीलिए को फिर मिला रहे हो, परिवार यही को हो रहा दीजिए है, इसीलिए जिम्मेदार, फिर मिला रहे हो, आपका 20 लाख रुपए, क्या यही हो रहा है, सिलेक्टिव इसीलिए फिर कार्रवाई मिला हो रहे हो, रही है यही क्या? हो रहा है, इस गलती वजह हो से रही है, स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्रजेश जी देखिए, अब ये पुलिस की जांच आगे बढ़े तब समझ में आएगा, पुलिस की जांच हो रही है, अब ये कैसे, मैं तो बिना जांच के नहीं कह सकता हूं कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई न की जाए, पहले डीएनए, जब जांच आगे बढ़ेगी तब समझ में आएगा सारा कुछ, अभी जांच वास्तव में लेट हुआ है, इसमें कौन कह सकता है कि लेट नहीं हुआ है, अब
जांच हो रही है, जांच के परिणाम भी सामने आएंगे। और फिर लेकिन एक बात समझने की है जी, उसकी माँ 2 महीने से दौड़ रही है, एक आदमी का नाम ले रही है, लड़की भी एक आदमी का नाम ले रही है, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई निर्दोष है? हम किस मुंह से कहते हैं इस बात को कि निर्दोष पर कार्रवाई ना की जाए? नहीं, एक नाबालिग के साथ, एक नाबालिग के साथ रेप हुआ है, एक नाबालिग के साथ रेप हुआ है, आप सोचिए उसकी मनोस्थिति क्या होगी, उस माँ की मनोस्थिति क्या होगी जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती है और उसको 2 महीने लग गए FIR लिखवाने में, और उसे चौकी से ये कहकर भगा दिया जाता है कि चौकी तो मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगे। ये सिस्टम के लिए बहुत चिंता का विषय है और बहुत ही शर्मनाक विषय है। इस मसले पर राजनीति करने की बजाय हमें लगता है कि सबको एक सुर में कहना चाहिए कि जिसने भी उस नाबालिग के साथ गलत किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।